नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन हम लोग अपने करेंट अफेयर्स केंद्रित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आज आठवां क्लास हम लोग इस विषय पे कर रहे हैं और उम्मीद या दृष्टिकोण क्लासेस का यही है कि हम उन सारे विषयों को जो थोड़ा सा इस बार की प्रलिम्स में जिनका अपना एक महत्व हो सकता है उनके सारे आयामों को हम लोग कैप्चर कर सकें हम उसको समझ सकें और अन अकेडमी आर्टिकुलेट के इस चैनल पर हम इस पूरे कार्यक्रम को चला रहे हैं अन देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है हम लोग ये कॉम्बैट टेस्ट जो आपको हर संडे को हो रहा है इंडिया का सबसे बड़ा ये स्कॉलरशिप टेस्ट भी है आप प्रिलिम्स के मोड में जब आप प्रिपेयर कर रहे हों तो आप इसको इन कॉम्बैट टेस्ट का ज़रूर ज़रूर उपयोग करिए क्योंकि ओवरऑल आप जो एस्पायर कर रहे हैं जिस तरह से अपने नॉलेज को आपको टेस्ट करना है तो आपका वो एक प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो पूरी प्रिपरेशन है वो भी होती रहेगी प्लस हो सकता है आपको ये सब जो इसमें लाभ मिलने हैं वो भी आपको मिले साठ मिनट में साठ क्वेश्चन आपके सामने आते हैं एजुकेटर्स खुद क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो स्तर बहुत अच्छा है उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करते हैं वही एजुकेटर्स तो ये आपको और अपने विषय ज्ञान को बढ़ाने में सहायता मिलती है तो आप इस कॉम्बैट टेस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं 24 मार्च से हमारे नए बैचेस नेक्स्ट राउंड ऑफ बैचेस शुरू हो रहे हैं दो हज़ार इक्कीस तीनों परीक्षाओं को दिमाग में रखकर तीनों तरह की भाषाओं को केंद्र में रखकर इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सारे तरह के ऑप्शंस हैं प्योर इंग्लिश सब तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं तो एक साल दो साल तीन साल तीनों स्तरों पर आप इन कार्यक्रमों से भी uh, लाभान्वित हो सकते हैं तो ये हमारे कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं इनको भी आप देख सकते हैं दो प्रोग्राम्स हैं आइकॉनिक और प्लस प्लस के साथ कुछ और प्लस हो जाता है तो आइकॉनिक बन जाता है जिसमें मूल अंतर है कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस उसमें अलग से दिया जाता है तो वो एक चीज़ आपके साथ हो सकती है वो अगर उस स्तर पर सहायता चाहिए तो आप आइकॉनिक का विकल्प चुन सकते हैं दोनों के अलग अलग फी स्ट्रक्चर्स वो भी आपके सामने हैं एक साल दो साल तीन साल और इसमें ई तक की सुविधा है आप इसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके भी आप इसको कर सकते हैं तो ये बात थी कार्यक्रमों के बारे में हम विषय क्रम को आगे बढ़ाते हैं पहला विषय जो आज हम करेंगे उसमें एक इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो कुछ नई स्पीशीज जब भी कहीं कुछ डिस्कवर हो जाती हैं या बड़े लंबे समय के बाद उनको दोबारा आइडेंटिफाई किया जाता है तो आप देखेंगे कि उस पर प्राय प्रश्न किसी तरह से घुमा फिरा कर पूछता है ऐसा एक घटनाक्रम इस परीक्षा वर्ष में हमको देखने को मिला प्यूंटियस सेंटस प्यूंटियस सेंटस ये एक नई फ्रेश वाटर फिश इस परीक्षा वर्ष में ये देखी गई इसको वेलनकन्नी तमिलनाडु में वहां पर इसको लोकेट किया गया इट हैज़ बिन बाउंड वेलनकन्नी तमिलनाडु में प्यूंटियस सैंक्टस नाम की एक ताज़े पानी की जो मछली है इसको ढूंढा गया है सैंक्टस का मतलब ही होता है पवित्र होली ठीक है कोई पिलग्रिम टाउन लैटिन भाषा का शब्द है प्यूंटियस स्पीशीज जो हैं ये इंडिया में मेनली तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न हिमालयाज हैं इनके जो ड्रेनेजेस हैं वहाँ पर इनको लोकेट किया इनकी पहुँच रहती है प्यूंटियस स्पीशीज को केरला में पराल नाम से स्थानीय जो इनका नाम है वो केरला में पराल है और तमिलनाडु में केंडे नाम से इनको जाना जाता है मछलियाँ ये जिस फैमिली को बिलोंग करती है प्यूंटियस वो है सिप्री टिपरी निडे फैमिली को बिलोंग करती है प्यूंटियस सैंक्टस और एक अगर इसको देखें तो ये देखिए इसकी एक सिल्वर कलर का ठीक है एक बहुत सिल्वरी सा इसका पूरा वो है तो सिल्वर ह्यूड फिश ये इसको आप इस तरह से भी नॉमिनेट नौ, नौ, कर सकते हैं इसको बहुत छोटे आकार की होती है स्मॉल इन साइज और सात सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई अधिकतम जाती है तो कंपैरेटिवली इट्स अ स्मॉल फिश और फ्रेश वाटर फिश की जो एंटायर फैमिली है उन्हीं को सिप्री कहा जाता है सिप्री मतलब जो फ्रेश वाटर फिश की जो ब्रॉड फैमिली है उसको सिप्री कहा जाता है इसमें मिनोज इसमें गोल्ड फिश इसमें बिटरलिंग्स बाब्स और काप्स ये सारी इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर फिशेज हैं यानी सिप्रीनेट फैमिली की ये सारी इम्पॉर्टेंट फिशें हैं फ्रेश वाटर फिश क्या होती हैं जो अपना जीवन का ठीक है ज़्यादातर समय फ्रेश वाटर में यानी जो ताज़ा पानी का कोई स्त्रोत होगा वहाँ पे जैसे नदियाँ हो सकती हैं झीलें हो सकती हैं और दूसरी बात कि सेलिनिटी जो लवणता है वो 1.05 परसेंट से कम हो तब उसको फ्रेश वाटर फिश की संज्ञा दी जाती है तो सेलिनिटी 1.05 परसेंट से कम होना ये एक तकनीकी अनिवार्यता है रोहू काटला हिलसा ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर फिशेज हैं इंडिया में जिनको कंजम्पन के हिसाब से भी आप इम्पोर्टेंट पाएंगे इस प्यूंटियस सेंटस को कुछ नई इस तरह की कहीं अगर प्रजाति मिलती है तो उसको रजिस्टर कराना पड़ता है ये ज़ू बैंक है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूओलॉजिकल नॉमिन ठीक है ये ऑफिशियल अथॉरिटी है अधिकृत एक प्राधिकरण है जो नॉमिन के लिए जो नाम आप देते हैं नाम का हमेशा जहां वो पाया गया उससे एक गहरा रिश्ता होता है बट ये नेमिंग के लिए इसके पास आपको रजिस्टर कराना पड़ता है तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जुओलॉजिकल नॉम्क्चर के साथ इसको रजिस्टर भी करा दिया गया है उसमें जू बैंक में कुछ आ, उसके स्पेसिमेंट्स भी देने होते हैं वो स्पेसिमेंट्स भी दे दिए गए हैं विषय से संबद्ध परीक्षा के लिए एक और समीकरण बनता है ये सारी जो इस तरह की खोज वगैरह होती है उसमें इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है जुओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है एक अधीनस्थ संगठन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का और 1916 में यानी ब्रिटिश दौर में इसको स्थापित किया गया था और एक शताब्दी से ज्यादा का आप देखेंगे बड़ा इनका अनुभव उस पूरे कार्यकाल में इन्होंने काफ़ी खास खासतौर से जूलॉजिकल क्षेत्र में इनकी रही तो जो ऑनिस्टिक सर्वे होता है फोना है ना तो ये जो जीव विज्ञान से संबंधित जो जो राष्ट्रीय केंद्र है ये पॉनिस्टिक सर्वे देश में करने के लिए और अलग अलग क्षेत्रों में जो भी इस तरह के रिसोर्सेज हैं उनके बारे में ज्ञान को बढ़ाना उनके बारे में समुचित कहीं कोई संकट कोई समस्या आ रही है उस पर ये बहुत मुस्तैदी से काम करता है और देश में ये जो एक अप्रतिम है, बहुत अनयूजल जो ये जैव विविधता है इसमें फ़ौना को लेकर जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा योगदान कर रहा है इसका मुख्यालय कोलकाता में है और अपने 16 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ ये देश भर में अपने विषय से संबद्ध महत्वपूर्ण उपलब्धियां और कार्यक्रम चलाता है तो पूरे देश को भौगोलिक तौर पर बांटा गया और सोलह इसके क्षेत्रीय केंद्र जिससे कि देश भर में सारे स्तरों इस पर इसको हम लोग नियंत्रित और संचालित कर सकें तो ये पूरा इसका आधार था इसी से मिलता जुलता एक दूसरा विषय आज आगे बढ़ा रहे हैं पर्यावरण में आपको प्रश्न प्रायः दिखेंगे इन्वेजिव स्पीशीज को लेकर भी अगर उस परीक्षा वर्ष में या हम कहें कि डेढ़ दो साल के अंतराल में जो कुछ प्रमुख घटनाएं भारत में रिपोर्ट हुई हैं किसी क्षेत्र में कोई प्लांट की नई इन्वेजिव स्पेशी आ गई जिसने वहाँ कोलाहल मचा रखा है या कोई एनिमल इन्वेजिव स्पेशी भी हो सकती है जिसकी वजह से संकट उत्पन्न हो रहा हो तो ये तमाम चीज़ें परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं प्रश्न आते हैं इसी संदर्भ में चारू मुसेल को इस बार बहुत महत्वपूर्ण मानकर चला जा सकता है चारू मुसेल इन्वेजिव स्पीशी है जिसका तकनीकी नाम है माइटेला स्ट्री गाटा माइटेला स्ट्री गाटा ये नेटिव कहाँ की है कोई स्पेशी कहीं की नेटिव होती है यानी मूल निवासी तो आजकल मूल बनाम विदेशी लोगों मानव के स्तर पर भी संघर्ष चल रहा है कौन कहाँ का मूल है कौन बाहर से आया जो बाहर से आया उसको बाहर भेजो ये सब चल रहा है ना उसके समानांतर आप पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में भी नेटिव और इन्वेजिव अब दुर्योग ऐसा है इंसान के लिए तो हम ऐसा कह नहीं सकते पर कोई स्पेशी प्लांट की या एनिमल की जो जहाँ की नेटिव है वहाँ के लिए तो हमेशा सकारात्मक होगी है ना क्योंकि प्रकृति ने उसको उस अगर वो बची हुई है इसका मतलब ही है कि वो वहाँ पर उसका एक कुछ ना कुछ सकारात्मक रोल है लेकिन जब इसको आप किसी और एलियन स्पेस में कहीं बाहर अगर आप उस स्पेशी को ले जाते हैं तो हो सकता है वो वहाँ के लिए अच्छी हो पर प्रायः ऐसा होता नहीं और कई बार ये बहुत बड़ा नुकसान वहाँ की जैव विविधता के लिए उत्पन्न कर देते हैं इसीलिए इन्वेजिव स्पीशीज इस जब कहीं पर अनियंत्रित होकर बढ़ती हैं तो उसको एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जाता है ऐसी ही एक इन्वेजिव स्पीशी है चारू मुसेल जो बेसिकली साउथ और सेंट्रल अमेरिका के जो तटीय क्षेत्र हैं साउथ और सेंट्रल अमेरिका के तटीय क्षेत्र वहाँ की मूल ये स्पेशी है लेकिन केरला में जो बैक वाटर्स हैं वहाँ पर इसका तेज़ी से विस्तार ये पर्यावरण विदों को चिंता में डाल रहा है ये क्यों इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ उसके रीज़न को समझते हैं एक तो ये जो चारों मुसेल है ये कैसे भारतीय तटों तक केरला के इन बैक वाटर्स तक पहुंची, उसका कारण है कि ये जो जहाज़ों का आना जाना और सामुद्रिक जो पूरा परिवहन है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है व्यापार तेज़ी से आगे बढ़ा है लोगों की आवाजाही और इन जहाज़ों के साथ इनमें अंदर हल्स लगे होते हैं जिसमें पानी भी काफ़ी स्टोर होता है उस शिप को स्टेबिलिटी देने के लिए ठीक है उसी पानी में जब ये यहाँ से साउथ सेंट्रल अमेरिका से चले होंगे तो उसी में लार्वा की फॉर्म में ठीक है ये सारा जो ब्लास्ट में जो पानी इकट्ठा होता है उसमें ये सारी चीज़ें आ गई होंगी और फिर ये जब केरलाई क्षेत्र में पहुंचे तो वहाँ पर धीरे 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 तेजी से इन्होंने अपना विस्तार कर दिया इसमें साइक्लोन ओखी का भी जिक्र आता है इस अनुसंधान में जिसने दक्षिण भारत के साथ साथ श्रीलंका मालदीव इस सबको को 2017 में बहुत व्यापक तौर पर झकझोरा था प्रभावित किया था माना जाता है कि उस साइक्लोन ओकी में भी इस इन्वेजन को और तेजी से बढ़ने का मौका मिला क्योंकि उस प्रवाह के साथ जो और सुदूर क्षेत्रों में जो इनका इन्वेजिव स्पीशीज थी वो सब भी इस बैक वाटर में आकर इकट्ठा हो गई तो उससे भी इसको विस्तार काफ़ी कुछ मिला है अगर हम सर्वे की बात करें जो हुआ है इन इन्वेजिव स्पीशीज को लेकर तो हम ये देखते हैं कि केरल में कई बैक वाटर और कई एश्यूरीज हैं जहां इनका विस्तार हो चुका है कई लेक्स कनाल्स और लगूनस जो कि अरेबियन सी में पूरा उस क्षेत्र में स्थापित हैं वहां पर भी ओवरऑल इनको विस्तृत होता देखा जा रहा है अष्टमुदी पे कई बार प्रश्न आता है ये एक रामसार साइट भी है कोल्लम ज़िले में और चारों मुसेल से इसको बहुत अधिक क्षति पहुंच रही है यहाँ क्योंकि रामसार साइट का होना ही बायोडाइवर्सिटी को बहुत हद तक प्रमाणित करता है तो यहाँ अष्टमुदी लेक और इसके आसपास के क्षेत्र में चारों मुसेल ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है चारों मुसेल बेसिकली जो एशियन ग्रीन मुसेल है जिसको कि पेरना विरदस कहते हैं उसको रिप्लेस कर रहा है है ना और ये बेसिकली जो एशियन ग्रीन मुसेल है और इसके साथ जो एडिबल ऑयस्टर मैगलाना बिलीनियटा जिसको मुरिंगा स्थानीय भाषा में कहा जाता है इसके ऊपर भी इस इन्वेसिव स्पीशी का काफ़ी नकारात्मक प्रभाव है और ये नेटिव हमारे लिए हैं इनका उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्व है तो इसको जब ये चारों मुसेल इसको रिप्लेस करेगी तो उस पूरी पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसलिए अध्ययनों में चारों मुसेल को लेकर इससे बचाव को लेकर एक बड़ी चिंता प्रकट की जा रही है ठीक है तो ये सीरियस थ्रेट है हमारी जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं और जो हमारी डाइवर्सिटी है ख़ासतौर से ये ब्रैकिश वाटर जो हैबिटेट्स हैं केरला कोस्ट में उसके लिए बड़ा खतरा और इस पर काफी आजीविका किसान जो वहाँ के मछुआरे हैं उनकी निर्भर है तो उन आजीविकाओं पर भी संकट आपको दिख सकता है तो चारों मुसेल और इसके विभिन्न आयाम कहाँ पाई जाती है कैसे भारत में विस्तृत हुई क्या खतरा है इसको लेकर हमने सारे आयाम इसमें कवर किए इससे जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है इको लेबलिंग एन्वायरमेंट में अगर आप पढ़ते हों तो अच्छी बात है नहीं तो इसको पढ़ लीजिएगा और मैं मूलभूत बात बता रहा हूँ इको लेबलिंग एक वॉलेंटरी स्वैच्छिक एक तरीका है अपने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस सर्टिफिकेशन का और ये लेबलिंग है लेबल करना उसको प्रैक्टिस किया जाता है पूरे विश्व में इको लेबलिंग में बेसिकली आप ये सुनिश्चित तो करते हैं कि ये जो स्पेशी है कोई भी वो एक पर्टिकुलर जोग्राफी के लिए वो सुरक्षित है उसका कोई खतरा नहीं है तो एनिकोलेबल आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रूवेन इन्वायरमेंटली प्रेफरेबल ओवरऑल विद इन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस कैटेगरी तो इसको करना जरूरी है अगर इको लेबलिंग नहीं होगी तो फिर इन्वेजिव स्पीशीज़ का खतरा बहुत अधिक बढ़ सकता है तो इसलिए भी ये पूरा विषय ऐसे प्रयत्नों की अपेक्षा रखता है कि इको लेबलिंग बहुत विस्तृत तरीके से हो सके क्योंकि क्या होता है जैसे आपने कई इन्वेजिव फिशेस के बारे में पढ़ा होगा ऑर्नामेंटल होती हैं है ना लोग अपने घर में एक्वेरियम में भांति भांति की रंग बिरंगी मछलियां रखना चाहते हैं और इसमें कई हैं जो बाहर से आती अब इन सब चीज़ों में सामान्य तौर पर लगता है कोई खतरा नहीं है लेकिन अगर आपने कुछ भी काफ़ी कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो किसी न किसी तरीके से कहीं नदियों से होते हुए फिर किसी बड़े आ, सामुद्रिक क्षेत्र तक उनका विस्तार हो गया और फिर वो हो सकता है आपकी एक स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाए तो ये सब चीज़ें इको लेबलिंग को और इम्पॉर्टेंट बनाती है इन्वेजिव स्पिशी ही क्या होती है इस बात पर भी थोड़ा दृष्टिकोण बना लें इन्वेजिव स्पिशी ऐसे जीव हैं ऑर्गेनिज़म हैं जो इंडिजिनस नहीं होते नेटिव नहीं होते एक पर्टिकुलर भूगोल में जोग्राफिकल एरिया में और इम्पॉर्टेंट बात है कि वो नुकसान पहुंचाते हैं ठीक है छोटा हो बड़ा हो लेकिन ये बाकी क्षेत्रों में इनका नुकसान देखा जाता है उनको इन्वेजिव वेद विस्पेशी कहा जाता है ये इनमें क्षमता होती है कि ये किसी क्षेत्र में जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको पूरी तरह एक्सटिंक्ट कर दें समूल मूल उनका नाश कर दें ये जैव विविधता को कम करने में रिड्यूस करने में अपना एक नकारात्मक योगदान देते हैं ये सीमित संसाधन किसी क्षेत्र में है तो वहाँ पर जो स्थानीय ऑर्गेनिज़म्स है, हैं उसके साथ प्रतिस्पर्धा करके प्रायः देखा गया है कि अगर ये सशक्त ज़्यादा होते हैं तो ये उन संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं तो इसी से आपकी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है उसमें आपको क्षरण दिखने लगता है और ये हैबिटेट्स को भी जो स्थानीय आवास ग्रह हैं उनमें भी एक बुनियादी बदलाव लाने में योगदान अपना देते हैं कैसे पहुंच जाते हैं किसी क्षेत्र में तो अभी हमने जैसे चर्चा करी कि बहुत बड़ा योगदान वो जो शिप्स का मूवमेंट आजकल चल रहा है उनके जो बलास्ट में जो पानी जो भरा होता है उसके थ्रू या कभी दुर्घटनावश कहीं ये रिलीज हो गए और लोगों का लोगों में जागरूकता नहीं है उनके माध्यम से बहुत तेजी से ये सब चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो इनका इन्वेजन जो है वो बढ़ता चला जाता है इस बात को भी हम लोग देख सकते हैं ये भी एक आयाम इसमें दिखता है इस परीक्षा वर्ष में जो अभी तक कोविड प्रभावित अब आप कोविड की स्थिति देख रहे हैं कि सेकंड जो वेव है कि नहीं है इस पर इतना सारा विमर्श चल रहा था बट अब जैसे यूरोपियन जो लॉकडाउन दोबारा लग रहे हैं भारत में भी जो आंकड़े अब आ रहे हैं आ, उन सबको देखते हुए अब ऑफिशियल डब्ल्यू वगैरह के हम लोगों को इंतजार करना चाहिए वो क्या कहते हैं पर यह स्थिति है कि कोविड अभी भी एक बड़े विमर्श के तौर पर बना हुआ है और शायद कुछ महीनों तक और बना रहेगा ऐसी अवस्था में कोविड से मिलता जुलता एक स्ट्रेन आया जिसका इंसान से कोई लेना देना नहीं है इसको बनाना कोविड कहा गया टी आर फोर स्ट्रेन बनाना कोविड मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि ये भी एक संभावना हो सकती है इसके बारे में भी छोटा सा विषय है हमको पता होना चाहिए टी आर फोन का मत टी आर फोर का मतलब है ट्रॉपिकल रेस फोर ट्रॉपिकल रेस फोर एक स्ट्रेन है है ना? एक स्ट्रेन है जो बनाना में बनाना स्पीशीज़ में कोविड जैसा इसका इम्पैक्ट है तो एक फंगल स्ट्रेन है वायरल नहीं है फंगल स्ट्रेन है प्यूसेरियम विल्ट टीआर फोर और इसने बड़े स्तर पर जो बनाना प्लांटेशंस हैं भारत में उनको प्रभावित किया और प्रभाव करने का तरीका मतलब बहुत कुछ जो हम ह्यूमंस में जो कोविड देखा गया उससे बहुत कुछ समानताएं थी इसीलिए इसको बनाना कोविड कहा गया बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिएगा तो फ्यूसेरियम विल्ट टीआर फोर इसको हमने देखा इसमें एक प्रॉब्लम हमने यहां पर देखी चलिए बीच में शेडो आ रही थी तो वो दिख नहीं रहा था तो मैंने कहा लाइट आ रही थी थोड़ी सी चलिए अब दिख रहे हैं ठीक है देखिए तो ये इसको कोविड के समानांतर क्यों माना गया क्योंकि जैसे कोविड में एक लंबे समय तक कोई ट्रीटमेंट नहीं था हालांकि वायरल डिजीज है लेकिन जब यह विषय था तब कोई ट्रीटमेंट नहीं था उसी तरह इस फ्यूजेरियम विल टीयर फोर ये जो फंगल स्ट्रेन है इसने भी वैश्विक स्तर पर तबाही मचाई और लंबे समय तक इसका कोई उपचार नहीं था इक्वेडोर जो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बनाना का वो इसका एपी सेंटर बना वहाँ से ये तबाही जो है वो शुरू होती देखी गई बनाना ये भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे अधिक जो निर्यात होता है जो फल फ्रूट उसमें बनाना आता है उसका रीज़न है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है ठीक है आपने देखा होगा बहुत कच्चे आ, केले भी आप उसको तोड़कर और उसको फिर मतलब कंपैरेटिवली फ्रूट्स में इट हैज़ अ लार्ज शेल्फ लाइफ और वैसे भी अपनी एनर्जी कंपोनेंट्स को लेकर बहुत लोकप्रिय है कॉस्ट के हिसाब से बहुत बड़ी आबादी इसका कहते हैं भाई गरीब आदमी तो कुछ नहीं सुबह सुबह आपने देखा होगा हम लोग भी जब प्रतियोगिता की तैयारी करते थे तो सुबह सुबह चार पाँच केले खरीद लिए कोचिंग जाते वक्त और उसी से आधा दिन जो है ऊर्जा तो उतनी मिली जाती थी तो तैयारी के समय में तो सभी गरीब होते हैं तो ऐसे में ये सारी चीज़ें इसको एक आकर्षक विकल्प बनाती हैं और बेसिकली इसीलिए इसको ग्लोबली सबसे अधिक निर्यात होने वाले फल के तौर पर भी देखा जाता है अब चूंकि निर्यात बहुत ज़्यादा होता है तो आवाजाही है आवाजाही है और इसमें अगर कोई इस तरह का फंगल इन्फेक्शन है तो इसी वजह से ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल गया ये सारी चीज़ें हैं और ओवरऑल छब्बीस बिलियन डॉलर का वैश्विक व्यापार है सिर्फ बनाना का ट्रेड का तो इसको प्रभावित होते देखा गया इसीलिए इसको बनाना कोविड की तरह देखा गया पहली बार ये जो टी आर फोर है ये ताइवान में इसको आइडेंटिफाई किया गया था और उसके बाद एशिया ये भी साउथ ईस्ट एशिया से ही चला है और उसके बाद एशिया से मिडिल ईस्ट अफ्रीका होते हुए ये लैटिन अमेरिका तक, अमेरिका तक इसके विस्तार को देखा गया ये पहले लीव्स पर तो केले का जो आ, होता है आ, उसकी पत्तियों पर सबसे पहले हमला करता है जिससे वो येलो कलर में ओवरऑल कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद एजेस से होता हुआ ये एक पूरे प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है एफएओ ने माना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने माना कि टीआर फोर अब तक का जितनी भी प्लांट डिजीजेस में जो सबसे ज्यादा संघारक रोग अब तक देखे गए हैं उनमें से टी आर फोर एक है तो अभी तक इतिहास में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन प्लांट डिजीजेस के थ्रू हुए हैं उनमें एक है तो हमें पता होना चाहिए निश्चित तौर पर पता होना चाहिए एक कला और संस्कृति से संबद्ध एक विषय को देखते हैं पुरंदर दास जी आप ऐसे भी कल्चर में पढ़ते होंगे इनके बारे में इनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी हमने जारी किया और विवाद भी इनको लेकर काफ़ी चला है जैसे कबीर को लेकर हमने अगर आपने पढ़ा हो कबीर पूरी जीवन अपने जिस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में जो रूढ़ियां हैं जो पंथ हैं जो अंधविश्वास थे उन सब पर जिस तरह हमला करते रहे दोनों को समान मतलब कबीर वाज अ ट्रूली सेक्युलर यू कैन से अ रिफॉर्मर अ पोएट रिफॉर्मर सेक्युलरिज्म अगर समझना हो किसी के जीवन काल में तो कबीर के को हम आदर्श मान सकते हैं और जब वो मरे तो उसके बाद आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी कबीर के ऊपर उनके जीवन पर पाठ होते हैं कि दोनों समुदाय लड़ने लगे कि ये तो हमारे धर्म के थे तो हम इनको दफनाएंगे या हम इनको जलाएंगे और फिर जो किमदंती है वो यही है कि जब उनका हटाया गया वो तो उसमें अंदर कुछ फूल की पंखुड़ियाँ थीं कोई शरीर था नहीं जिसको लेकर कोई विवाद हो तो विवाद बड़े बड़े इस तरह के संत महात्माओं के साथ रहते हैं जीवन काल में तो इनको कोई बहुत ज़्यादा संभवता नहीं मान सम्मान मिलता लेकिन बाद में उनकी विरासत की थाती किसकी थी इसको लेकर लोग लड़ते हैं तो पुरंदर दास उसी श्रेणी में आपको दिखेंगे दो तो राज्यों के बीच इस बात की होड़ है कि इनका जन्म हमारे यहाँ हुआ था सवाल विवाद का नहीं है वो हमारे परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन चूंकि विवाद के केंद्र में है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अगर और बाकी सब छोड़ दीजिए तो पूरा जो कर्नाटक संगीत है जो संगीत की एक बड़ी धारा हिंदुस्तान में है उसका इनको एक तरह से उसकी उसका प्रारंभ बिंदु प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में निश्चित तौर पर संस्कृति के अंतर्गत सवाल आ सकता है देखते हैं क्या घटनाक्रम है क्या इसका पूरा वैचारिक क्रम है तो पुरंदरदास तो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हेरिटेज और म्यूज़ियम्स कर्नाटक ने ओवरऑल ये कहा कि हम लोग अरगा में जो कि मलनाड रीजन में आता है कर्नाटक के अरगा वहाँ पर हम लोग ग्राउंड लेवल फील्ड रिसर्च का काम शुरू करेंगे जिससे कि हम उन सारी आशंकाओं को ख़त्म कर सकें कि पुरंदर दास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था इशू क्या है माना ये गया बिलीव्ड है ये आम तौर पर माना गया कि पुरंदर दास जी पुरंदरगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है पुरंदरगढ़ वहाँ पर इनका जन्म हुआ और उसी जगह से उनका नाम पुरंदर है पुरंदर दास इसीलिए उनका नाम था लेकिन कई लोग ये मानते हैं खास तौर से ये मालनाड क्षेत्र के कि वो बेसिकली जो बुनियादी उनका जो एक तरह से जो प्रारंभ है वो उनके क्षेत्र में था उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए थे अगर सांस्कृतिक साक्ष्यों की बात करें तो उसमें यह माना जाता है कि पुरंदर दास जी का जन्म अरगा के पास हुआ था हालांकि इस पर कुछ निश्चयात्मक तभी बात हो सकती है जब इसको इसको किसी पुरातात्विक एक ऐसे मजबूत साक्ष्य जिसको प्रमाण माना जा सके उसके थ्रू हम उसको सुनिश्चित कर सकें जैसे कि कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए या कुछ कोइंस मिल जाए या कुछ ऐसी बिल्डिंग uh, वगैरह के रिमेन्स जहाँ पर ओवरऑल उनके या उनके परिजनों के मूल निवास के प्रमाण हो ओवरऑल श्रीनिवास नायका और पुरंदर दास ये दोनों उनका नाम श्रीनिवास नायका था बाद में एक सांस्कृतिक जब वो विभूति बने तो पुरंदर दास के नाम से जाने जाने लगे ये भी एक जो मलनाड के क्षेत्र हैं उनका ये कहना है और बेसिकली पुरंदर दास जी वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे और विजयनगर साम्राज्य के दौरान इनका जो भी इनका साहित्यिक कृतियां कर्म है वो उस दौरान देखा जाता है वैष्णव परंपरा से जुड़ने से पहले वो और उनका परिवार एक बहुत धनी एक व्यापारिक परिवार था और श्रीनिवास नायका जो उनका एक तरह से एक जो अधिकृत मूल नाम था वो मालनाड क्षेत्र में जो धनी व्यापारी होते हैं उनको नायका एक उपाधि दी जाती है तो श्रीनिवास नायका नाम होना ही दिखाता है कि वो मूलतः कर्नाटक के इस मालनाड क्षेत्र में उनका निवास था तो ये दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं कुतर्क वितर्क जो भी कहिए और इस पर अंतिम बात जो है वो पूरा तात्विक विभाग ही इस पर कर सकता है तो इसका भी अनु सारा कुछ चल रहा है इसको हमें पता होना चाहिए खैर हमारे लिए काम की बातें ये ज्यादा है लॉर्ड कृष्ण के भगवान कृष्ण के आराधक थे एक कवि थे और एक संगीतकार थे उनको कर्नाटक संगीत का पितामह फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक कहा जाता है उन्होंने एक ऐसा पूरा म्यूजिकल सिस्टम उसको औपचारिक तौर पर निर्मित किया जिसमें कई सारी संगीत की परंपराओं को जो दक्षिण भारत की हैं, उनका समाहार किया गया और वैदिक जो सांस्कृतिक तत्व हैं वैदिक सांस्कृतिक जो तत्व हैं उनको भी उन्होंने उस दक्षिण भारतीय द्रविड़ियन संगीत परंपरा के साथ पिरोया और यही कर्नाटक संगीत का एक मूल आधार है तो पुरंदर क्यों क्योंकि उन्होंने एक अलग अलग सांस्कृतिक जो धाराएं थी उनके बीच में से एक नई ऐसी धारा आगे निर्मित करी जो आज भारत में अगर कहा जाए तो दक्षिण भारत की सबसे संपन्न सांस्कृतिक एक आपको धारा दिखेगी चौरासी राग उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और कर्नाटक म्यूजिक के हिसाब से उनको एक सांचे में ढाला और उसको एक यूनिकनेस दी ये भी उनका योगदान है पूरे संगीत परंपरा में उन्होंने प्रमुखतः कन्नड़ भाषा में और संस्कृत भाषा में भी गाने भी लिखे सॉन्ग्स भी लिखे गीत भी लिखे और पुरंदर विठला ये उनकी एक कृति है जो जिसमें ये सारा उनका साहित्य जो है वो समाहित है तो इस तरह पुरंदरदास जी और इनसे जुड़ी कुछ बातें अगर कल्चर में कुछ और आप अतिरिक्त इसमें जोड़ सकें तो ज़रूर कुछ और इनका योगदान हो मैं जितना कुछ आ, मुझे महत्वपूर्ण लगा मैंने इसको इकट्ठा कर दिया ठीक है तो ऑलवेज आपको अपने लेवल पर कोशिश करनी है चीज़ों को और बढ़ाइए है ना मैं एक आपको विषयगत कम से कम भटकना ना पड़े मैं वो कोशिश कर रहा हूँ बट आप अलग अलग विषयों को पढ़ते समय इसको और ज़्यादा संपन्न कर सकते हैं एक किसी तरह कला संस्कृति से जुड़ा प्लस इसमें थोड़ा सा ऊर्जा वगैरह का भी संदर्भ है हमने इस परीक्षा वर्ष में कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसको लेकर सरकार के एक प्रस्ताव को देखा और उस प्रस्ताव के साथ साथ हम जरूर हम जो ऐतिहासिकता है उसी को कोणार्क मंदिर के इम्पोर्टेंट माने इस पर केंद्रित प्रश्न आ सकते हैं तो भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें 100 सो प्रतिशत सोलराइजेशन कोणार्क के सन टेंपल का होगा और साथ ही कोणार्क टाउन जो उड़ीसा में एक ठीक ठाक पर्यटन के हिसाब से ही कोई बहुत बड़ा ऐसा शहर नहीं है लेकिन क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर बहुत ही टूरिस्ट के बीच बहुत लोकप्रिय है फॉरेनर्स बहुत आते हैं तो उसी के इर्द गिर्द वहाँ पर एक जो भी इकोनमी डेवलप हो गई है तो छोटा सा टाउनशिप और उस न सिर्फ मंदिर की बल्कि पूरे टाउन की सारी जो ऊर्जा आवश्यकता है वो सोलर यानी सौर ऊर्जा से उसको पूरा किया जाएगा अगर कल्चर को और जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से जो आपके प्रयत्न हैं इन दोनों को किस प्रकार साथ में पिरोया जा सकता है इस बात को देखना हो तो ये स्कीम के थ्रू देखिए सोचिए कितने प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों ने एक सन टेम्पल सन टेम्पल आप जानते होंगे कि इसके अंदर वैज्ञानिकता कूट कूट कर भरी हुई है अभी आगे मैं इसका जब विस्तार आपको कराऊंगा तब आप देख सकते हैं बट ये टेम्पल है आप जानते हैं और ये जो इसमें आप जानते हैं ये कितने व्हील्स हैं कितने चक्र बने हैं क्यों बने हैं सन का जैसे जैसे मूवमेंट होता है उसके हिसाब से ये टेम्पल आपको क्या क्या सोलर प्रॉपर्टीज दिखाता है ये चरम वैज्ञानिकता थी हमारे पूर्वजों की कि धर्म केंद्रित भी जो संरचनाएं बन रही हैं उसके अंदर विज्ञान किस स्तर पर समाहित है और ऐसे बहुत सारे आपको उपकरण विकल्प आपको दिखेंगे और ग्लोबल सबसे बड़ी डिबेट क्या है कि धर्म और विज्ञान में एक लड़ाई करने की कोशिश होती है कि धर्म सही है कि विज्ञान सही है क्या ये दोनों एक दूसरे से हमेशा संघर्षरत रहते हैं ये निबंध के बहुत बड़े विषयों में आप इसको देखते हैं धर्म बनाम विज्ञान लेकिन भारत की परंपरा ये नहीं है भारत में धर्म विज्ञान को और विज्ञान धर्म को एक साथ लेकर चलता रहा है यही हमारी स्ट्रेंथ मानी जानी चाहिए तो ये जो स्कीम इस है इसमें इस, इस कोणार्क शहर के कस्बे के सारी ऊर्जा आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी होगी और प्रधानमंत्री का एक विजन है कि हम इस ऐतिहासिक सन टेंपल टाउन कोणार्क को इसको एक सूर्य नगरी के तौर पर सूर्य नगरी नाम उन्होंने दिया था कि ये पूरी तरह सोलर एनर्जी से जगमगाता हुआ शहर हो और उस दिशा में हम काफ़ी आगे बढ़ गए बहुत ही जल्द आपको ये सारी चीज़ें अस्तित्व में आती दिखेंगी। इस परियोजना के माध्यम से एक संदेश भी दुनिया को देने की कोशिश है कि हम आधुनिकतम सौर ऊर्जा जैसे विकल्पों को और प्राचीनतम अपने धार्मिक ऐसे जो हमारे केंद्र हैं उनके बीच एक सिनर्जी एक संयोजन एक सह संबंध को हम आगे बढ़ा सके दस मेगावाट की एक ग्रिड को ओवरऑल कनेक्ट किया जाएगा इस सोलर प्रोजेक्ट में और यह पूरा इसकी आवश्यकता को पूरा करेगा इसके लिए सोलर ट्रीज सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क और ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स बैटरी स्टोरेज के साथ इसमें लगाए जा रहे हैं पूरी तरह सौ प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित ये पूरी योजना है और जो नवीन और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है वो इस पूरी योजना को संचालित करेगा हालांकि इम्प्लीमेंट ओडिशा का जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है वो करेगा तो फंडिंग ये मंत्रालय कर रहा है केंद्र का लेकिन ज़मीन पर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम ओडिशा को तो संयोजन खाली आधुनिकता का पौराणिकता के साथ नहीं है संयोजन केंद्र और राज्य के बीच भी इस योजना में आपको बृहद स्तर पर दिखेगा कोणार्क मंदिर के बारे में किंग देव प्रथम ने इसको निर्मित किया था गंगा डायनेस्टी जानी जाती है बारह से बारह सौ ईस्वी तेरहवीं शताब्दी में ईस्टर्न उड़ीसा में जो पुरी की जो बहुत ही पवित्र शहर है धार्मिक दृष्टि से उसके पास इस मंदिर का निर्माण किया गया नर मंदिर जो है वो एक तरह के रथ की शक्ल में है ठीक है एक कोलोजल कैरियट चैरिएट की तरह एक रथ की तरह है और सूर्य देवता को समर्पित है तो इसमें भी वैज्ञानिकता है कि सूर्य जैसे एक आ, आप कह सकते हैं कि आ, हम लोग उस समय भी सूर्य को और बाकी जो प्राकृतिक तत्व हैं उनको देवी देवता के तौर पर स्थापित करना अपने में पर्यावरणवाद है तो एनवायरमेंट को भी आप अपने रिलीजियस जो सीक्रेड हमारे जो विचार हैं उसके साथ इंट्रेंसिकली आप जुड़ा हुआ देखते हैं तो इस पूरे मंदिर में बारह बारह जैसे ये व्हील्स हैं ऐसे बारह व्हील्स दोनों साइड पर हैं और सात घोड़ों का इसमें ओवरऑल इस मंदिर में उनका इस्तेमाल है और सब कुछ सांकेतिक है बारह व्हील्स जो बारह माह हैं उनको प्रदर्शित करते हैं सात घोड़े हफ्ते में सात दिन हैं उनका प्रदर्शन करते हैं और जैसे जैसे आप पूरे वर्ष भर जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है और एक दिन में जिस तरह सन का ट्रांजिशन होता है वो सब आप मंदिर में अलग अलग भागों में उसका प्रभाव आप देखते हैं बहुत अभी तक इसके पूरे साइंस को शायद समझा भी नहीं जा सका जिस साइंस को बनाते वक्त उपयोग में लाया गया था यूरोपियन जब व्यापारी औपनिवेशिक युग में अगर चले जाए तो यूरोपियन व्यापारी इसको एक नेविगेशनल पॉइंट की तरह इस मंदिर का उपयोग करते थे तब उस समय में जीपीएस और ये सब चीज़ें तो थी नहीं तो कहते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का भी एक यूनिक कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो भी जो कॉम्पस वग़ैरह यूज़ होते हैं सेलिंग में पुराने समय में जो होते थे तो सब जी यूज़ करते हैं वो भी एक वैज्ञानिकता है और यूरोपियन व्यापारी उसका उपयोग यहाँ पर करते थे यूरोपियन लोग इसको ब्लैक पगोडा इस नाम से ये पीटी में पूछा गया पहले ब्लैक पगोडा नाम से यूरोपीय लोग कोणार्क मंदिर को उसको आ, पुकारते हैं क्योंकि इसके जो डार्क कलर इसमें है और जो मैग्नेटिक पावर जैसे मैंने बताया जो इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों में देखी जाती है तो अगर स्थापत्य की बात करें तो उड़ीसा जो मंदिर आर्किटेक्चर है उसको ये बिलोंग करता है और उन्नीस में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया ये भी इस मंदिर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको पता होनी चाहिए तो ये सारी बातें थी इसको आप देख सकते चलिए कला संस्कृति से आगे बढ़कर कुछ सरकार के कार्यक्रमों नीतियों पर फोकस करते जो एग्ज़ामिनेशन के लिए पता होना चाहिए जनजातीय जो मामले हैं उनके मंत्रालय ने गोल नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गोल का मतलब है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स ठीक है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स और ये ट्राइबल्स के लिए प्रोग्राम है ट्राइबल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कैसे उनको हम अलग अलग क्षेत्रों में उनकी लीडरशिप स्किल्स को हम लोग एंडोर्स कर सकते हैं उसको मजबूत कर सकते हैं ये पूरा प्रोग्राम गोल में फेसबुक एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है जो इसको रोचक बनाता है इस पहल को और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो इसमें है ही हमने बात करी उद्देश्य क्या है डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम को कि हम मेंटरशिप हम एक तरह से ये दोनों पक्ष मिलकर उन युवा जनजातीय प्रतिभाशाली युवाओं को एक मेंटरशिप एक मार्गदर्शन उनको प्रोवाइड किया जा सके डिजिटल मोड में क्योंकि अब डिजिटल इज द न्यू नॉर्म न्यू रियलिटी तो डिजिटल मोड में कैसे उनकी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है इसको मेंटरशिप करने का प्रोग्राम है तीन कोर एरियाज इस प्रोग्राम में शामिल हैं पहला डिजिटल लिटरेसी उनको देना दूसरा लाइफ स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप करना और तीसरा गोल होगा उनके अंदर उद्यमशीलता ऑन्ट्रप्रिन्योरशिप का विकास करना क्रमबद्ध होगा और डिजिटल लिटरेसी देकर फिर लाइफ स्किल और लीडरशिप क्वालिटीज को इम्प्लांट करके और अल्टीमेटली उनके अंदर ऑन्ट्रप्रीन्योरशिप स्किल्स को डेवलप करके इन जनजातीय युवाओं को सक्षम लीडर्स के तौर पर स्थापित करना ये गोल प्रोग्राम का गोल है उसका लक्ष्य है अब इसमें हम अपस्किलिंग और एम्पावरमेंट ट्राइबल यूज़ का देखेंगे जिससे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके उनकी जो क्षमताएं हैं उसको सर्वोच्च स्तर पर लाया जा सके नए तरीके से कैसे व्यापार हो सकता है कैसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से उनको जोड़ा जा सकता है ध्यान रखिएगा ट्राइबल्स हैंडी में जो हस्तशिल्प वगैरह का काम है उसमें बहुत संपन्न समुदाय होता है लेकिन उनको सक्षम जानकारी नहीं होती उनको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय बाजारों तक कैसे पहुंचना है इसमें वो बहुत सहज नहीं होते और इस वजह से वो बहुत एक तरह से जो स्केल उनके उस बिजनेस का हो सकता है वो स्केल नहीं कभी प्राप्त कर पाते इस दिशा में मंत्रालय फेसबुक के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है ठीक है तो किन किन क्षेत्रों में हम इस प्रोग्राम की सफलता देख सकते हैं या कहें कि जनजातीय युवा किन किन क्षेत्रों में नेतृत्वकारी हो सकते हैं तो एक हो गया हॉर्टिकल्चर फूड प्रोसेसिंग मधुमक्खी पालन बी कीपिंग ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर इसमें वही सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह आ जाएंगे मेडिसिनल हर्ब्स जो चिकित्सकीय जो औषधीय गुण वाले जो अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं और ऑन्ट्रप्रिनशिप जो कि सारे इन क्षेत्रों में काम करेगी तो ये पूरा एक लक्ष्य है और इसको भी पूरा करने की बात है तो फेसबुक इनको पूरी तरह से इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल लिटरेसी के लिए सक्षम बनाएगा और मंत्रालय बाकी चीज़ों में जहाँ भी जरूरत होगी उसको पूरा करेगा सोनिक बूम बेंगलुरु में एक शो के दौरान सोनिक बूम का बूम से जो एक तरह से अफरा तफरी मची थी तो ओवरऑल एक जानकारी थोड़ा सा रखिए कि सोनिक बूम क्या होती है कैसे क्यों ख़तरनाक हो जाती है तो फिजिक्स वगैरह में अगर आपने साउंड प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ते वक्त देखा होगा सिर्फ एक नो हाउ आपको मैं दे रहा हूँ तो सोनिक बूम एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ इतनी ज़ोरदार कि कई बार इमारतें और सारी जो आपका आधारभूत संरचना है उसको भी तहस नहस कर सकती है इसको बेंगलुरु में सुना गया जब इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फ्लाइट कर रहा था अपने कुछ ओवरऑल एयर कंपोनेंट्स की तो सोनिक बुम क्रिएट हुई ये बेसिकली शॉक वेव्स होती हैं है ना जो कि प्लेन्स के थ्रू या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो बहुत तेज़ गति से चल रहा हो और इस गति का ध्वनि की जो गति है स्पीड ऑफ साउंड उससे बड़ा गहरा रिश्ता होता है क्योंकि सोनिक शब्द ही साउंड की स्पीड के साथ जुड़ा हुआ है कोई वस्तु अगर साउंड की स्पीड पर चल रही हो तो उसको सोनिक कहते हैं अगर उससे ज़्यादा तेज़ गति से चल रही हो तो सुपरसोनिक कहते हैं अगर उससे कम गति से चल रही हो तो उसको सबसोनिक कहते हैं तो पूरा विषय ही साउंड की स्पीड से जुड़ा हुआ है तो ओवरऑल अगर 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा गति से ये ऑब्जेक्ट जब चलते हैं तो उससे शॉक वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं सुपरसोनिक ये वेव्स हो सकती हैं अब ओवरऑल जो इसमें घटनाक्रम है उसको आप इस चित्र के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं मैक वन का मतलब सोनिक स्पीड ऑफ साउंड ठीक है अब तो देखिए कैसे ये प्रक्रिया होती है ये आपका मान लीजिए एक एरोप्लेन है जो कि साउंड की स्पीड से चल रहा है अब ऑब्जेक्ट चल रहा है ऑब्जेक्ट की एक आवाज़ है है ना जो एरोप्लेन है तो उसकी जो जो साउंड क्रिएट हो रही है उसके मूवमेंट से वो भी आज साथ में चल रही है एयरक्राफ्ट के एयरक्राफ्ट चल रहा है और जो साउंड जनरेट कर रहा है वो साउंड भी उसके साथ चल रही है तो अगर एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से चल रहा होगा तो आपको इस तरह का वहां पर प्रोफाइल बनेगा वेव्स का ठीक है क्योंकि दोनों चीजें समान है ठीक है सॉरी ये बिलो मैक वन की बात कर रहे हैं है ना क्योंकि ये वेव्स आगे चल रही हैं साउंड और हवाई जहाज उनके पीछे है तो ये एक स्टेबल प्लेटफॉर्म बनेगा जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं मैक वन यानी साउंड की स्पीड में तो ये दोनों देखिए कन्वर्ज करने लगेंगे क्योंकि साउंड की स्पीड से ही हवाई जहाज चल रहा है और साउंड भी उसी स्पीड से चल रही है तब तो देखिए ये ऐसा इस तरह का एक बहुत ही ऑनकरिंग सर्कल्स आपको दिखेंगे हम लोग बिल्कुल एज पर आ रहे हैं लेकिन अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा गति से हवाई जहाज चल रहा है तो देखिए क्या होगा कि साउंड वेव्स पीछे रह जा रही हैं उनका जो एक पूरा वो बन रहा है और ये ऑब्जेक्ट उसके आगे निकल जा रहा है इसकी वजह से यही जो ये ट्रायंगुलर इस तरह का जो आपको ये कोनिकल एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना ये वेव्स जो सारा मर्ज होती जा रही हैं इसी को हम शॉक वेव्स कहते हैं और ये अगर बहुत तेज गति से चल रहा हो तो क्या होता है कि ये ऐसे पूरा स्प्रेड होते होते ठीक है ये नीचे तक इसका प्रभाव आ सकता है और ये शॉक वेव्स फिर बहुत नुकसान भी कर सकती हैं इसी तरह का सोनिक बूम ये डेवलप हुआ था बेंगलुरु में जिसको लेकर चिंता हमने देखी ठीक है तो एक कोन बन जाता है प्रेशराइज्ड एयर का क्योंकि प्रेशर की वजह से इसका इम्पैक्ट नीचे आता चला जाएगा तो इसको एक खतरा माना जाता है और इसीलिए जो भी एयरबॉन ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्पीड को जब मेंटेन किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि कोई इस तरह का शॉक वेव्स क्रिएट ना हो तो ये सारी चीजें इसको आपको दिखेगी <coughs> एक व्यवस्था से जुड़ा मसला करते हैं। इसमें ओवरऑल अनुराधा भसीन बनाम भारत ठीक है ये पूरे साल कोविड आया कोविड से पहले तीन सौ सत्तर का हंगामा था और 19 से लेकर ये पूरा 20 तक हमने कई बार इस विषय को अलग अलग संदर्भों में देखा अभिव्यक्ति की आजादी इंटरनेट को जगह जगह पर सरकारों ने कहीं केंद्र ने कहीं राज्य ने उसको बंद करने की रणनीति अपनाई और इस सब से फिर अपने अपने अधिकारों को लेकर लोगों में बेचैनी बढ़ी और इन सब विषयों के मूल में है ये केस अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद जिसमें स्थितियों को स्पष्ट किया गया है कि कैसे क्या हो सकता है और क्या राज्य को ध्यान देना चाहिए तो इस केस को थोड़ा सा टटोलते हैं इस जजमेंट में डिक्लेयर किया गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति और वाक स्वातंत्र की जो आज़ादी है और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन कोई भी व्यवसाय उपजीविका जो उसका चयन करने का अधिकार कैरी ऑन एनी ट्रेड बिजनेस और ऑक्यूपेशन ओवर द मीडियम ऑफ इंटरनेट एंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आर्टिकल 19 वन ए एंड आर्टिकल 19 वन जी रिस्पेक्टिवली आर्टिकल 19 इस बार वैसे भी बहुत बहुत ही भयानक महत्वपूर्ण आर्टिकल है पर इस बार तो ये आपको इसका एक 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 शब्द संकल्पना सब आपके अंदर होनी चाहिए प्रश्न किसी ना किसी तरह से दिख सकता है क्या विषय आपके मूल अधिकार हैं कि आपको अभिव्यक्ति की वाक स्वातंत्र की आज़ादी है अब इसमें इंटरनेट कैसे आ गया क्योंकि आप अभिव्यक्ति करने के लिए अपने आजकल इंटरनेट का बहुत अधिक उपयोग करते हैं है ना फेसबुक पर ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर तो आर्टिकल 19 आपको इस तरह से इंटरनेट तक पहुंचा देता है इसी तरह आपको कोई भी कारोबार उपजीविका वृत्ति व्यवसाय कुछ भी करने का अधिकार अब इसमें चूँकि अब सेवा क्षेत्र बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था का आधार बन चुका है तो जब मैं भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी जाकर कुछ परंतुक छोड़कर जहां मैं नहीं जा सकता जैसे इनर लाइन परमिट वगैरह वाले जो क्षेत्र हैं तो बेसिकली यहां भी इंटरनेट आ गया क्योंकि मुझे कोई भी वृत्ति करने का अधिकार है तो मैं इंटरनेट बेस्ड कुछ सेवा देता हूं ऑनलाइन टिकटिंग सेवा देता हूं इंटरनेट आपने बैन कर दिया तो मेरा रोजगार मुझसे छीन लिया इसलिए मैं कोर्ट में जाकर कह सकता हूँ कि मेरा मूल अधिकार खंडित कर दिया राज्य ने बिना किसी यथोचित प्रक्रिया के है ना तो ये मूल मुद्दा था जो अनुराधा भसीन केस में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष था अब कोर्ट ने मैंने आपको बताया कि स्पष्ट करा कि हाँ ये सब मिलजुल आपको इंटरनेट को भी मूल अधिकार के तौर पर स्थापित करते बट जैसे बाकी मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है एब्सुल्यूट नहीं है आर्टिकल 19 भी एब्सोल्यूट नहीं है ये भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन है जैसे रिस्ट्रिक्शंस की बात आती है तो स्टेट उस मूल अधिकार को कहीं ना कहीं कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में छीन सकता है तो ये भी रूल किया गया कि भाई ऐसी स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती आत्यंतिक नहीं होती और इस पर जो निर्बंधन लगाए जाते हैं वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में जो स्थितियां संविधान में उल्लिखित हैं उनसे संगत होना चाहिए कि लोक व्यवस्था पर खतरा हो विदेशी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा हो और बाकी चीजें आर्टिकल 19 सब क्लॉज 6 को भी इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं तो दोनों बातें कोर्ट ने कही ये आपका मूल अधिकार है पर मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है इसमें जो निर्बंधन उन्नीस दो और उन्नीस अधिरोपित करते हैं वो इसके इंटरनेट की स्वतंत्रता पर भी प्रभावी होंगे अब यहाँ कुछ व्यावहारिक दिक्कतें कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था अथॉरिटीज को कि जब आप इंटरनेट कहीं सस्पेंड करने के ऑर्डर्स जब आप देते हैं तो ओवरऑल आपको देखना चाहिए एप्सल्यूट इसको कहा गया डॉक्ट्रिन गया, ऑफ एप्सल्यूट नेसेसिटी है ना इसको ये असल में क्रक्स है इसका ध्यान रखिएगा कभी ऐसे ही पूछ ले कि यह डॉक्ट्रिन किस विषय के साथ संबद्ध है डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी अनिवार्य हो एकदम मतलब कोई और तरीका ना हो आपके पास और कोई रास्ता ना हो जब इस तरह की एप्सल्यूट नेसेसिटी हो और जिस क्षेत्र में हो मान लीजिए आप कहते हैं कानून व्यवस्था का संकट इस क्षेत्र में बहुत बड़ा है और यहाँ हमें इंटरनेट को बैन करना पड़ेगा तो आप देखिए कि क्या पूरे क्षेत्र में उतना ही खतरा है मान लीजिए सिर्फ इतने क्षेत्र में ही इंटरनेट बैन करके आप पूरे क्षेत्र को स्थिर कर सकते हो तो सिर्फ इतने में करिए जहाँ एप्सल्यूटली नेसेसरी हो क्योंकि इंटरनेट मूल अधिकार भी है ना जितना जरूरी हो बिल्कुल अपरिहार्य उतना ही काम होना चाहिए यह भी अनुराधा भसीन केस में स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहा रिव्यू कमिटी बनाने की बात कही क्योंकि सिर्फ एक सतह थी सरकार ने राज्य ने यह चिन्हित किया कि हमको इंटरनेट बैन करना है कोई सुनवाई नहीं थी तो कोर्ट ने कहा कि नहीं एक और रिव्यू होना चाहिए तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूट करिए रिव्यू कमिटी जो सारे ऐसे इंटरनेट बैन के ऑर्डर्स को रिव्यू करे और जिसमें सस्पेंशन या शटिंग डाउन इंटरनेट का हो मोबाइल सेवाओं का हो या फिक्स्ड लाइन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आप कहीं पर अगर इसको बंद कर रहे हैं तो आपको रिव्यू करने के लिए कमिटी बनानी चाहिए ओवरऑल हम ये पाते हैं कि ये सारा जो सस्पेंशन का मामला है इसके पीछे जो नियम कानून जिसका उपयोग किया जा रहा है वो ये है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स 2017 थाउजेंड सेवेंटीन इसके रूल टू सब क्लॉज टू में ये उल्लेख है कि किस प्रकार से हम इंटरनेट को मोबाइल सेवाओं को या फिक्स लाइन कम्युनिकेशन को तदर्थ तौर पर बंद किया जा सकता है तो ये इसके पीछे नियमों का जो प्रसंग है वो ये है यही वो कानून है जिनको सरकार को साथ लेकर चलना चाहिए इस पर काम करना चाहिए और ये रूल्स कहाँ से आए हैं इसके पीछे जो मूल कानून है रूल्स को एक्ट सपोर्ट करते हैं ठीक है तो जो एक्ट है वो है 1885 का इंडियन टेलीग्राफिक एक्ट इंडियन टेलीग्राफ एक्ट इसके अंतर्गत इन रूल्स को बनाया गया है ये ब्रिटिश कालीन कानून है इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठते रहे कि क्या हमको आज की परिस्थितियों के अनुरूप एक नया ओवरऑल कम्युनिकेशन के लिए नया कानून चाहिए तो वो एक खैर अलग मुद्दा है पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को भी हमें समझना चाहिए ठीक है तो ये सारी कानूनी बातें हैं जिसके अंतर्गत ये होता है अब ओवरऑल इसमें ध्यान रखना है एक बात इसमें और जोड़ दूं कि ये जो रिव्यू कमिटी वगैरह जो बनाने की बात कही गई ये कमिटी अब बनाती तो है सरकार लेकिन दिक्कत क्या है कि रिव्यू कमिटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई ये जिसके फैसले को रिव्यू कर रही है उससे स्वतंत्र हो अब यहाँ दिक्कत क्या है कि केंद्र केंद्र या राज्य ने ही ये तय किया कि इंटरनेट को हमें सस्पेंड करना है और उन्होंने अपने ही अधिकारियों की एक कमेटी बना दी ठीक है तो जैसे अभी जम्मू कश्मीर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिव्यू कमेटी इसको बनाइए तो उसमें वहाँ का जो चीफ सेक्रेटरी है भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का सचिव है तो ये रिव्यू सही नहीं हुआ इसमें कुछ थोड़ा सा जो विशेषज्ञ या कुछ न्यायपालिका के लोग इस तरह का कुछ इसका न्यूट्रल कैरेक्टर होना चाहिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया ऑब्जरवेशंस में कहा भी है कि रिव्यू की प्रोसेस को थोड़ा सा न्यूट्रल करने की ज़रूरत है तो ये भी एक बात आपको पता होनी चाहिए यानी ये कमेटी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही बनाती है इस बात को भी पता होना चाहिए एक और राज्य व्यवस्था से जुड़ा मसला जो इस परीक्षा वर्ष में बहुत प्रभावी रहा है है तो मुद्दा आपकी जो आप पढ़ते हैं पॉलिटी में लेकिन आजकल यही करंट पढ़ने का तरीका है कि जो चर्चित चीज़ें हैं उसको हम लोग थोड़ा सा जो आ, कन्वेंशनल पढ़ते हैं उसके साथ रिलेट करें डिस्वालीफिकेशन ऑफ अ मेंबर ये कई राज्यों में आपने ये संकट देखा होगा स्पीकर के फैसले ओवरऑल जो राजनीतिक दलों में खींचतान उन सबको लेकर तो इसमें कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है संवैधानिक प्रावधान है कैसे डिसक्वालीफाई हो सकता है मेंबर है ना और चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्यों में हो और दूसरा कुछ संसदीय व्यवस्थाएं जो निर्मित हुई हैं जिनको आप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस के अंतर्गत देखते हैं ये सिलेबस का आपके एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको भी इसके जो जो धाराएं इस परीक्षा वर्ष में खासतौर से इम्पोर्टेंट रहीं उनको अच्छे से करके जाना चाहिए तो संविधान क्या कहता है लाभ के पद पर अगर केंद्र में या राज्य सरकार में कोई भी इसमें मंत्री पद शामिल नहीं है या बाकी जो आ, ऐसे पद हैं जिनको कानूनी तौर पर लाभ के पद के दर्जे से बाहर रखा गया है उनको छोड़कर किसी भी लाभ के पद पर अगर आप हैं केंद्र में या राज्य में तो आपकी सदस्यता जा सकती है लाभ के पद को डिफाइन नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया लेकिन ये जरूर है कि केंद्र ने अपने स्तर पर और राज्यों ने अपने स्तर पर सूचियां बनाई हुई हैं कानूनी तौर पर कि ये ये पद जिसमें केंद्र या राज्य हो सकता है कुछ तनख्वाह देते हों उनको है ना या कुछ उनको गाड़ी देते हों कुछ ऑफिस उनका बना हो जो सर सरकार, सरकार के खर्चे पर चलता हो तो वो सूची में डाल देते हैं कि दीज पोस्ट दे विल नॉट बी कम अंडर ऑफिस ऑफ उफ प्रॉफिट ये मूल तौर पर संकल्पना एक तो ये निर्योग्यता की एक वो हो गई अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो और ऐसा सक्षम न्यायालय ने घोषित किया हो विकृत चित्त जिसको बोलते हैं या अनुन्मोचित दिवालिया हो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया हो या भारत का नागरिक ना हो या स्वेच्छा से उसने किसी और विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर ली हो या किसी और विदेशी देश के साथ अपनी एक निष्ठता को प्रदर्शित किया हो ये सारी संवैधानिक परिस्थितियां जिसमें सदस्यता जा सकती है आप निर्योग्य घोषित हो सकते हैं मेन विवाद यहाँ रहता है इसमें विवाद कभी अगर बनेगा तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बनेगा जैसे किसी दौर में जया बच्चन जी उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्षा बनी और उस पर आपत्ति उठी कि ये लाभ का पद है आ, सरकार ने राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया उन्होंने सूची में उस पद को शामिल नहीं किया तो उनकी सदस्यता चली गई थी ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो वो इसी तरह और भी कुछ विवाद रहे मेन विवाद का कारण बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ एक्ट की धाराएं क्योंकि इसमें फिर राज्य स्तर पर थोड़ी चीजें आ जाती है पहली बात सद, जो भी सदस्य है वो गिल्टी किसी भी इलेक्शन ऑफेंस या करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए इलेक्शंस में दोषी न करार दिया गया हो किसी अपराध के लिए ओवरऑल दो या अधिक साल की सजा उसको कभी भी ना हुई हो और प्रिवेंट जो निवारक निरोध कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर किसी को पकड़ा गया है तो ये सब चीजें निरयोग्यता के लिए नहीं उसमें काउंट होती हैं आप क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में बेसिकली अपराध हुआ थोड़ी है अपराध कोई कर सकता है राज्य ये मानता है इसलिए उसको पकड़ लिया है तो वो इसमें शामिल नहीं होता दो या अधिक साल की सजा आपको भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत मिली हो तो सदस्यता चली जाएगी जैसे लालू जी इस प्रावधान के अंतर्गत उनको उनके ऊपर कार्यवाही हुई हो अपने जो चुनाव के खर्चे उनको अगर समय पर जो एक समुचित प्रक्रिया है उसमें अगर आपने नहीं उसको दिया ये भी आपकी सदस्यता को छीन सकता है सरकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो बाकी काम काज हैं उसमें आप सीधे तौर पर आपके परिजन ये अगर इन्वॉल्व हैं तो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अनुसार आप ओवरऑल किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉरपोरेशन में आप या आपके जो भी परिजन है ये डायरेक्टर मैनेजिंग एजेंट ये सब पद ना धारण करें पच्चीस प्रतिशत से ज़्यादा आपका शेयर नहीं मतलब एटलीस्ट इससे या ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसी तरह सरकारी सेवा में अगर आपको बर्खास्त वगैरह किया गया ये सारी चीज़ें हैं और ये चूंकि बहुत ट्रिवियल हो जाता है बहुत नीचे के स्तर तक ये बातें होती हैं तो इस पर अक्सर विवाद आते रहते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या पूरा मसला है ठीक है एक इस बार पी एम आर एफ स्कीम इसमें मॉडिफिकेशन्स हुए हैं अनुसंधान विज्ञान इन सब चीज़ों में बहुत अधिक बल है वर्तमान सरकार का यूपीएससी भी इसको काफ़ी कुछ तवज्जो दे रहा है तो इन मॉडिफ़िकेशन्स को भी हमें कैप्चर करना चाहिए तो शिक्षा मंत्रालय ने ओवरऑल कई अमेंडमेंट करे हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम में जिससे कि देश में अनुसंधान की गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा सके विद्यार्थी किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से फेलोशिप के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं एनी एनी इज इम्पॉर्टेंट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वहां के विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पहले क्या था सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय आई आई टीज संस्थान हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करने का अधिकार था बट अब कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय टैलेंट कहीं पर भी हो सकता है ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ आई और ट्रिपल आई और आई में ही टैलेंट हो तो प्रतिभा कहीं पर भी हो उसको हम सम्मान दे सकें उसको हम जोड़ सकें देश के अनुसंधान इकोसिस्टम के साथ ये मॉडिफिकेशन सबसे चर्चित मॉडिफिकेशन रहा एक और पहले रिक्वायरमेंट था कि आपके साढ़े सात सौ नंबर कम से कम गेट स्कोर होना चाहिए आपका तभी आप अप्लाई कर सकते हो इसको अब रिड्यूस करके 600 कर दिया गया है तो एक न्यूनतम स्तर है ना लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साढ़े सौ सा, जैसे आईआईटी आई का एग्ज़ाम देने के लिए अगर कह दें कि आपको 80 परसेंट नंबर आए हो ट्वेल्थ में तभी आप आईआईटी आई दे सकते हैं तो ये ठीक नहीं होगा क्योंकि ट्वेल्थ का परसेंटेज और आई, 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 आई का एंट्रेंस इसमें मतलब हो सकता है कि बहुत बुनियादी अंतर हो दोनों चीज़ों तो इसको भी तर्कसंगत बनाया गया है ओवरऑल नए जो दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से अब प्रवेश के दो अलग अलग चैनल्स होंगे एक होगा डायरेक्ट एंट्री और दूसरा होगा लेटरल एंट्री जैसे आपकी सिविल सेवाओं में भी लेटरल एंट्री की बात हुई है और इसमें प्रक्रिया चल रही है इसी तरह अब प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम में डायरेक्ट एंट्री के साथ लेटरल एंट्री भी होगी लेटरल एंट्री में वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं पी में उनको ग्रांट किया जाएगा और ऐसे लोग जिन्होंने कम से कम बारह महीने या चौबीस महीने कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ अपने इस पाठ्यक्रम को आगे करा हो वो लोग अब सीधे लेटरल एंट्री के थ्रू इसमें आ सकते हैं एन जो कि टॉप पच्चीस इंस्टीट्यूशंस में नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क एन में आते हैं उनको ओवरऑल पी एम आर एफ ग्रांट करने वाले इंस्टीट्यूशंस में शामिल किया गया है तो ये भी अब ग्रांट कर सकते हैं एन आई टीज ये भी एक नया विषय आया है और रिसर्च को लेकर एक केंद्रित एक डिवीजन इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अब तो एम एच आर डी रहा नहीं एम ओ ई हो गया है उसमें क्रिएट किया गया है और इसको रिसर्च और इनोवेशन डिवीज़न कहा जाएगा तो मंत्रालय में अनुसंधान केंद्रित एक अलग डिवीज़न का निर्माण ये भी इस पूरे अनुसंधानगत प्रयत्न को आगे बढ़ाएगा ये बात भी हमको यहाँ पर दिखती है ठीक है तो ये सारे बिंदु थे ये सारे विषय थे तो धीरे धीरे इसको थोड़ा रिवाइज साथ में करते हुए भी बढ़िएगा क्योंकि हमारे पास अभी मार्च में जो दिन हैं वो हैं अप्रैल मई 10-12 जून तक मैं इस कार्यक्रम को करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं करीब करीब आपको हज़ार थीम थीम हज़ार थीम आपको दे दूंगा इसको थोड़ा सा पालिए पोसिए सींचिए और जो करने लायक प्रश्न होंगे परीक्षा में सफलता के लिए जो अनिवार्य होते हैं उतने आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो नहीं मिलेंगे जिसके लिए आप हमेशा टीचर को गाली देते हैं वो वैसे भी आप पाँच साल अगर करंट ही पढ़िए अपने स्तर पर तो भी आप नहीं कर पाएंगे तो वो तरीका नहीं है प्री निकालने का तो हमेशा उसको ध्यान में रखिए जो करने लायक है साथ में एन सी अपनी जो भी आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो बुनियादी जानकारी होनी चाहिए उसको साथ में मजबूत करिए तो निश्चित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा शायद आपकी इतनी बड़ी बाधा ना रहे जैसा आपको लगता है जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कल फिर 11 बजे हाजिर होता हूँ कुछ विषयों के साथ थैंक यू सो मच नमस्कार